Hey everybody, this is Brajesh here और आप देख रहे हैं CABA Infoventry। अब मैं आपसे बात करूंगा डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स के बारे में। उसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस में आपकी क्या टैक्स लायबिलिटी होगी वो मैं अब आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हैं या कमोडिटी डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हैं या करेंसी डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हैं तो वो आपकी नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम मानी जाती है अंडर इनकम टैक्स। लेकिन अगर आप कैश मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उस इनकम को स्पेक्युलेटिव इनकम माना जाता है। हाँ, अगर आप डेरिवेटिव के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम मानी जाती है और उसे इनकम टैक्स के अंदर इसमें आपको कोई भी उसका बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि इसको कैपिटल गेन माना ही नहीं जाता है। तो अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि ये आपका बिजनेस है और इसके लिए आपको कोई अलग से बेनिफिट टैक्स रेट का नहीं मिलता है। अब मैं आपसे बात करूंगा डिविडेंड इनकम की, जो कि आपको मिलता है आपके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर। मार्केट में ऐसे भी कुछ लिमिटेड शेयर्स हैं जो बहुत हाई डिविडेंड पे करते हैं और ऐसे में आपके पास भी कुछ ऐसे बहुत पुराने शेयर्स पड़े हुए होंगे जिसमें बहुत हाई डिविडेंड आपको मिलता होगा। तो डिविडेंड की इनकम पर कैसे टैक्सेशन लगेगा, आइए अब हम उसकी बात करते हैं। अप्रैल 2020 से पहले आपको डिविडेंड के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था और उस पर जो टैक्स बनता था वो जो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही थी वही टैक्स उस पे पे करती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें भी रिफॉर्म किया और अब अप्रैल 2020 के बाद से अब आपको अपनी डिविडेंड इनकम पर भी टैक्स देना होगा। पहले क्या होता था कि अगर आपका कोई भी डिविडेंड आता था तो कंपनियां डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के रूप में 15% टैक्स उस पर अपने आप जमा कर देती थी और आपको एज एन इन्वेस्टर अगर 10 लाख रुपए तक का भी किसी साल में डिविडेंड आता था तो आपको उस पर कोई भी एडिशनल टैक्स अपनी पॉकेट से नहीं पे करना पड़ता था। वो डिविडेंड कंप्लीटली टैक्स फ्री था आपके हैंड्स में एज एन इन्वेस्टर। अब क्या किया अप्रैल 2020 से गवर्नमेंट ने, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खत्म कर दिया और जो डिविडेंड आपको दिया जा रहा है उस पर टैक्स भरने की जिम्मेवारी भी अब आपके ऊपर डाल दी गई और अब आपको उसके ऊपर खुद अपने आप टैक्स भरना पड़ेगा। आपकी जो भी डिविडेंड इनकम है एक साल में वे आपकी एज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जोड़ दी जाएगी और जो स्लैब रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, जो कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है वो उस पर टीडीएस जरूर काट लेगी 10% के हिसाब से, लेकिन ये टीडीएस तभी आपसे काटा जाएगा आपके डिविडेंड पेमेंट पर अगर आपका ये डिविडेंड एक साल में 5,000 रुपए से ज्यादा है। अब अगर आप ये सोचें कि कंपनी मेरे को अगर डिविडेंड पे करती है तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि उसने मेरे को एक साल में कितना डिविडेंड पे किया है या किस किस को कितना कितना डिविडेंड एक साल में पे किया गया है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट ने डिविडेंड पेमेंट करने वाली कंपनियों के ऊपर ये जिम्मेवारी डाल दी है कि वो किसको कितना डिविडेंड पे कर रही हैं, इसकी जानकारी उन कंपनियों द्वारा सरकार को दी जाएगी और वो आपके फॉर्म AS-26 में भी रिफ्लेक्ट होगी और आपके ऑटोफिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न में भी अवेलेबल होगी।
और आपको उस पर अपना पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा और आप उस पर कोई भी टैक्स नहीं बचा पाएंगे। डिविडेंड अगर आपको मिल रहा है और शेयर अगर आपके पास एज एन इन्वेस्टमेंट है, तो जो भी इनकम जनरेट होगी ऐसे डिविडेंड के फॉर्म में, वो आपकी एज एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगी और उस पर आपको नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर आपने किसी कंपनी से शेयर डिविडेंड रिसीव किया है जिसको आपने अपनी बुक्स में एज ए स्टॉक इन ट्रेड दिखा रखा है, तो डिविडेंड की इनकम उस केस में बिजनेस इनकम ट्रीट होगी, ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा, अगर नहीं आई हो तो डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन अगर डिसलाइक करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक मुझसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि उससे एक अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे भी मिलेगी और मेरे व्यूअर्स को भी मिल पाएगी। आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है, जो मुझे लगता है बिल्कुल आ सकती है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो तक आ गए हैं, बाकियों तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी और हमारी है, तो वो हमें जरूर करनी चाहिए। इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक मैं सिंप्लीफाई करता हूँ अपने YouTube चैनल CABN फोमेंट्री पर। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं जरूर आपसे कहूंगा कि आप इसको कंसीडर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपके पास आ सके और हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। बाय बाय।